बाकी के लोग क्या करेंगे। इसलिए थोड़ा मैंने इसी तरह से काम किया है 31 साल जनप्रतिनिधि होकर, और मैं मानता हूँ कि मेरा ये काम करने का तरीका ही पब्लिक को पसंद है, और इस प्रकार का काम मेरे साथ में काम करने वाले कार्यकर्ता करें ये मेरी अपेक्षा है। अटल जी का पुतला काफी संघर्ष के बाद आपने लगाया, उसको लेकर बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी जाए, इसका ढंग से बनाओ। आज के लोकसत्ता में आपके जानकारी के लिए, और हमारे देश के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मॉस्को गए हैं, मॉस्को में अन्नाभाऊ साठे का पुतला वहां पर लगाया, उसका अनावरण करने के लिए वो गए, मॉस्को गए। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के उद्धव जी के नेतृत्व में जो सरकार ने 2.5 साल काम किया, उन्होंने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुतला मुंबई में लगाने के लिए परमिशन देने के लिए 1 साल लगाया और दिया ही नहीं। एक जगह पर मॉस्को में अन्नाभाऊ साठे का पुतले का परमिशन मिलता है और उसके कार्यक्रम के लिए हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जाते हैं, तो दूसरी जगह पर महाराष्ट्र में मुंबई में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का पुतला लगाने के लिए ऑफिसर, जिनका अगर मैं नाम ही लेना है तो चीफ सेक्रेटरी मनु कुमार श्रीवास्तव प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनमें आशीष कुमार सिंह जी और नितिन करीब, ये 3 बड़े IAS ऑफिसर, इनको ये लोकसत्ता का पेपर पढ़ के बोध लेना चाहिए उन्होंने, और मैंने ये मांग रहेगी, मैंने मांग किया है ऑलरेडी, और मैं इसको आने वाले दिन में और जोर से आगे लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं बदलाव के लिए काम करता हूं, मैं बदले के लिए काम नहीं करता हूं, मैं बदलाव के लिए काम करता हूं। मैं बहुत खुलकर, मेरी मन की वेदना है, शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के IAS ऑफिसरों को जिन्होंने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का अपमान किया, और मैं मॉस्को के लोगों का अभिनंदन करता हूं, महाराष्ट्र की जनता के ओर से, अन्नाभाऊ साठे जी को मानने वाली जनता के ओर से, उन्होंने उनके देश में अन्नाभाऊ साठे जी का फोटो लगाया। इसमें से ऑफिसर लोगों ने सीख लेनी चाहिए, ये भ्रष्ट अधिकारियों को, जब तक ये पॉलिटिशियन सिस्टम में काम करने वाले लोग ठीक ठाक नहीं करते हैं, ये महाराष्ट्र के लोगों को, मुंबई शहर के लोगों को न्याय नहीं मिलने वाला है। नहीं, मैं मानता हूं कि देखिए 2 प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, एक तो लोगों को इकट्ठा करो, कार्यक्रम कर लो, नेताओं को बुला लो, भाषण कर लो, ये एक कार्यक्रम होता है। दूसरा एक कार्यक्रम होता है कि गरीब लोगों के पास जाओ, बेटी को जन्म देना चाहिए इसलिए माताओं को समझाओ, जन्म देने के बाद में अगर कोई गरीब घर की बच्ची है तो उसको पढ़ाई के लिए मदद करो, कोई बड़े बच्ची का अगर शादी नहीं होता तो उसको शादी करो, ये इस प्रकार के रचनात्मक कॉन्क्रीट काम करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि इनको मेरा स्वभाव और सिस्टम मालूम है, क्योंकि मैं तो कभी भी रिएक्ट होता हूँ। अभी धर्मेंद्र भाई ने एक बच्ची को अडॉप्ट किया है, ऐसा उनका कहना है। मैं मानता हूँ कि समाज में बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये सब पॉलिटिशियन लोगों को बड़े बड़े कार्यक्रम करने के लिए पैसे देते हैं, तो ऐसे लोगों के पास से ऐसे काम के लिए पैसा ना लेते हुए, एक एक बिल्डर ने साल में एक एक लड़की का भी अगर जवाबदारी ले लेते हैं शादी करने का, तो बड़ा पैमाने पर हमको लाभ हो जाएगा। मुर्मू जी अभी देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज में से मोदी जी ने बनाया, तो सब लोगों ने एक संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने जीवन में एक आदिवासी बच्ची का शादी में मदद करूंगा, ऐसा करते करते बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और फिर बहुत बड़ा एक कार्यक्रम करके लोगों को हमने बताना चाहिए कि इस प्रकार से काम किया जाता है करके। मैं मानता हूँ कि धर्मेश जी करेंगे इस प्रकार का काम, ठीक है, थोड़ी लोगों का भाई। मैं देखिए 2 बात बताना चाहूँगा, एक तो धर्मेश को जब से पद दिया ये बहुत एक्टिव है, काम करते हैं, लेकिन काम तो मैं भी 31 साल से करता हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा कोई बड़े नेता के पास जाके फोटो निकाल कर उसका प्रसार करने का कभी मेरे मन में नहीं आया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ में काम करने वाले जो कार्यकर्ता हो, लोगों की दुआ ले, अच्छा काम करके, बड़े नेताओं के साथ में फोटो खिंचवाने से निकालने से कोई बड़ा बनता है ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, और इसका दुरुपयोग भी नहीं होना चाहिए, इसका भी मैं थोड़ा दखल अंदाज लेता हूँ। और कुल मिलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम धर्मेश भाई कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड करना चाहिए। साल में एक आधा कार्यक्रम इस प्रकार का करना चाहिए कि मैंने इतने बेटियों को मदद किया, क्या क्या किया, उसका रिजल्ट देके फिर उसका कोई फोटो निकालते हैं तो इट इज वेलकम। समाज को एक मार्गदर्शन होना चाहिए, जैसे मेरे अंडर में ये काम करके यहाँ तक पहुंचे, इनके साथ में काम करने वाले भी आ गया है, इस प्रकार का एक हमने काम करना चाहिए, नहीं तो फिर काम बाजू में रह जाएगा और फोटो सेशन चलता रहेगा, तो उससे समाज का भला नहीं होगा। आपको राज्यपाल ने जो सम्मानित किया उसको उनको समर्पित किया, और अटल जी का जो पुतला लगाया उसके लिए भी उनका धन्यवाद आपने कहा है, आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कुछ सलाह दिया सकती है? जी, सबसे पहले तो मैं शेट्टी साहब का आभारी हूँ, उन्होंने हर समय हर वक्त मुझे सराहना किया है, उन्होंने मेरे को जैसे एक पिता रहते हैं
वो अपने पुत्रों को कभी भी, अपने बच्चे को कभी भी अच्छी बात, अच्छा वो नहीं बोलते कि हाँ तूने अच्छा काम किया है। हमेशा मुझे इसी तरह से वो आगे लेके आए हैं। और आज ये मेरे हाथ में जो प्रमाण पत्र है, मुझे जो राज्यपाल जी ने मुझे दिया गया है, तो ये पूरा श्रेय मैं श्री गोपाल शेट्टी साहब को देता हूँ, क्योंकि उन्होंने हर प्रोग्राम में आके मुझे आशीर्वाद दिए। और मैंने उनसे जो भी बात की कि मैं ये प्रोग्राम ले रहा हूँ, तो उसमें उन्होंने रूपरेखा मुझे हमेशा समझाई कि इस तरह से लेना है। और आज उन्होंने जो आपसे कहा है, बातचीत हुई है, उसके अंदर मुझे ये समझ में आ रहा है कि सर ने ये कहा है कि धर्मेश ये पहला और आखिरी लेटर नहीं है तेरे लिए, तू इसके बाद भी तुझे काम करना है, अच्छी तरह से करना है, जैसे मैं करता हूँ उसी तरह से तू भी किया कर, के गरीबों के बीच में और समाज के बीच में जाया कर। और मैंने, आपने देखा होगा कि हमेशा मैं समाज के बीच में रहा हूँ, जैसे हर बहनों का मैंने टर्फ क्रिकेट लिया था, जिसमें 250 महिला बहनें आके खेले थे। प्लस मैंने एक ऐप का वितरण किया था अभी 13 अगस्त को, जिसमें गरीब बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों को मैंने फ्री में ऐप दिया, शिक्षण ऐप 10वीं का। तो साहब जानते हैं कि ये तेरा पहला और आखिरी लेटर नहीं है, तो इसमें तू ज़्यादा वो खुश मत हो, तुझे और भी काम करना है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की जो मुहिम है, किस तरह से आप देखते हैं? जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जैसे साहब ने आज कहा है, तो उसको मुझे समझना है, ध्यान में देना है कि भाई मुझे उसको किस तरह से आगे बढ़ाना है। क्योंकि उनका जो विषय है कि भाई बच्चों के लिए कुछ करो, जैसे शादी ब्याह एक बिल्डर करे जवाबदारी ले लेता है, तो मैंने भी कहा कि साहब मुझे बोलना नहीं था, मगर मैंने पिछले टाइम जो स्कूल में ऐप दिया था 13 अगस्त को आपके नेतृत्व में, वहाँ पर जो बच्ची थी स्नेहा दुबे जी, उनकी फ़ीस के बारे में मैंने उधर बात कर ली है। मैं उनको सालाना हर साल उनका एजुकेशन का खर्चा मैं ले रहा हूँ, तो मैंने आज साहब को बता दिया। एक्चुअली मैं बताने वाला नहीं था, हिडन थोड़ा रखता था, मगर साहब ने थोड़ा ये बात किया तो मेरा दिल से निकल गई कि साहब मैंने भी एक बच्चे को एडॉप्ट किया है।